Hello, good morning students. How are you all? So today we are going to read chapter number 3, Moving Home by Shriyoshi Mitra. Okay. So have you ever shifted home? कभी एक जगह से दूसरी जगह गए हो, मतलब शिफ्ट हुए हो अलग जगह, कुछ कुछ हुए हो, है ना? ओके. सो व्हाट हैपेंस व्हेन यू मूव टू ए न्यू प्लेस? जहाँ जिस जगह में तुम रहते हो वो छोड़ के अचानक से नई जगह में आ जाओगे तो कैसा फील होगा? ओके. सो हाउ व्हाट हैपेंस, कैसा लगता है? सो विल रीड दिस स्टोरी अबाउट ए लिटिल गर्ल त्रिडा एंड हाउ शी मेक्स ए न्यू फ्रेंड. लिटिल त्रिडा लिव्ड in a beautiful valley in the mountains. So here what we are seeing, little Trida. Trida जो छोटी बच्ची थी वो कहाँ रहती थी? Beautiful valley in the mountains. Valley means low area, mountain के low area में, घाटी में रहती थी. Okay. She spent most of her time playing with her friends. वो ज़्यादातर अपना time अपने friends के साथ खेल कर बिताती थी. उसका नाम क्या था? Whoopee and Gujri. Okay. Whoopee was a bunny rabbit, Guzi was a goose. Okay, ये देख रहे हो, ये bunny है और ये goose है. Okay. That day was the last time she was cuddling her two friends. वो cuddling means hugging. Okay. मतलब hugging का मतलब गले लगाना. Hugging मतलब गले मिलना. Okay. तो वो लास्ट टाइम था जो अपने दोनों फ्रेंड्स को गले मिल रही थी. ओके. द नेक्स्ट मॉर्निंग त्रिडा एंड हर पेरेंट्स वी आर मूविंग टू ए बिग सिटी. दूसरा दिन क्या हुआ, त्रिडा और उसके पेरेंट्स नए सिटी में जाने की तैयारी कर लिए थे. ओके. त्रिडाज फादर हैड गॉट ए न्यू जॉब इन द सिटी. कि त्रिडा के फादर ने वहाँ पे उनको नया जॉब लगा था. होता है ना, कुछ बच्चे तुम लोग भी ऐसे हो या कहीं से आए हो, जहाँ रहते होगे वहाँ से तुम्हारे पापा का ट्रांसफ़र हुआ होगा तो नए सिटी में आके स्कूल में नाम लिखाए हो. ओके. ऐसा होता है ना. यस. तो ही ऑल्सो वांटेड टू पुट हर इन ए बिग स्कूल इन द सिटी. नए स्कूल में एडमिशन कराना चाहते थे. त्रिडा क्राइड एज सी सेड गुड बाय टू हर बेस्ट फ्रेंड. त्रिडा रोने लगी क्योंकि उसने अपने गुड बाय कहा उसने अपने बेस्ट फ्रेंड्स को. ओके. व्हेन दे बोर्डेड द ट्रेन सी सेट बाय द विंडो. तो जब वो ट्रेन में वो लोग बैठे तो वो विंडो साइड में बैठी. एज द ट्रेन स्टार्टेड मूविंग सी सो द ट्रीज एंड द बर्ड्स पासिंग बाय. जैसे जैसे ट्रेन चलने लगा वो सब कुछ दूर जाने लगा उससे. द फ्लावर्स ऑन द माउंटेन साइड वेव्ड हर गुड बाय एंड द क्लाउड्स फ्लोटेड विद द रनिंग ट्रेन. तो सब कुछ क्लाउड के ट्रेन के साथ चल रहा था, सब उसको गुड बाय, मतलब फ्लावर माउंटेन साइड सब उसको गुड बाय बोल रहे थे, है ना. सी वॉज गोइंग टू मिस द स्नो कैप्ड माउंटेन. स्नो से जो भरा हुआ माउंटेन रहता है वो उसको मिस कर दी. द ब्यूटिफुल वैली एंड हर बेस्ट फ्रेंड सी क्लोज हर आइज एंड सून फेल एस्लीप. ये सबको मिस कर रही थी और वो आँख बंद करके उसको नींद आ गया. ओके. When she woke up, they were in their new home in the city. जब वो उठ गई, उसका नींद खुला तो वो कहाँ पे थी? They were in the new home in the city. नए घर में थी सिटी में के. It was a small cottage with a lovely garden near a lake. एक small छोटा सा घर था, cottage था, lovely garden था, lake था उसके सामने. Okay. Through the window she could see the quiet lake. वो विंडो से वो लेक को देख पा रही थी. In the evening, Trida ran up to the lake and sat quietly. शाम में Trida वहाँ से आई और लेक के पास बैठी by the shore. Shore means the land along a large water body like a lake or the sea. मतलब एक बड़ा मैदान था, वहाँ पे जाके बैठी उसके किनारे में, ठीक किनारा पे. She remembered her friends and stayed weeping. वो अपने दोस्तों को याद करके रो रही थी. Weeping means crying. Okay. She was missing Whoopee and Guzi. दोनों को मिस कर रही थी. Hey there, Frida heard a voice. She looked here and there. Suddenly she saw an otter peeping out of the water and looking at her. तो वो क्या देखती है, एक otter वहाँ से पानी से निकलता है.
तो व्हाट इज़ ऑटर चिल्ड्रन? ऑटर इज़ अ स्मॉल एनिमल दैट हैज़ फोर वेब्ड लेग्स, मीन्स इन हिंदी वी आर सेइंग दैट उदबिलाव. ओके, यू कैन सी दिस वन. ओके, दिस इज उदबिलाव. Why are you crying, little girl? asked the otter. Otter ने पूछा, तुम क्यों रो रही हो? उसको पूछा, किसको? त्रिडा को. She was scared. Who are you? she asked. वो डर गई थी. उसको पूछती है, कौन हो तुम? I am Otto, the otter replied. Otter ने कहा, मैं ओटो हूँ. Are you new to the city? क्या तुम नहीं हो इस सिटी में? What's your name? Will you be my friend? वो बोली, क्या तुम्हारा नाम क्या है? क्या तुम मेरी फ्रेंड बनोगी? तो वो बोली, माई नेम इज़ ट्रिडा, सी सेड एंड रन बैक इन टू हर हाउस. वो बोली, मैं ट्रिडा हूँ, और दौड़ के अपने घर चली गई. ट्रिडा वॉज सरप्राइज टू सी हर रूम वैन सी रीच्ड होम. तो ट्रिडा अपना रूम देख के बहुत ही सरप्राइज थी जब वो अपने घर रूम में पहुँची. इट वॉज फिल्ड विथ न्यू टॉयज एंड कलरफुल बुक्स. तो बहुत सारा नया टॉय था और नया नया बुक था कलरफुल. सी फेल्ट हैप्पी, उसको बहुत ही खुशी लगा. ओके, She finished her dinner quickly, brushed her teeth, said her prayers and went to sleep in her cozy new bed. Okay? उसने अपना डिनर कंप्लीट किया, ब्रश किया रात में और प्रे की गॉड को सोने से पहले, और वो अपने सोने चली गई अपना न्यू कोजी न्यू बेड में, मैंने बहुत ही स्पंजी. ओके, नेक्स्ट मॉर्निंग ट्रिडा वेंट टू द लेक विथ हर रेड बॉल. ट्रिडा लेक के पास गई अपना नया रेड बॉल लेकर. ओके, सी वॉज प्लेइंग विद द बॉल नियर द एज ऑफ द लेक. व्हाट डू यू मीन बाय एज? मैंने बॉर्डर, लेक के किनारे. ओके, इट रोल एंड फेल इनटू द लेक, और वो वहाँ से वो पानी में गिर गया. सी रेन आफ्टर इट स्लीप्ड एंड फेल इनटू द शैलो वाटर, और वो वहाँ पर दौड़ी तो वो स्लिप करके गिर गई. नॉट हैविंग मच डिस्टेंस बिटवीन टॉप ऑफ द बॉटम, तो वो वहाँ इनटू द शैलो वाटर, वो पानी में गिर गई किनारे में. Trida started screaming, उसको डर लगा, giving a loud high cry because you are scared. Okay? जोर से चिल्लाने लगी. She did not know how to swim, उसको स्विम करना नहीं आता था. Otto heard her cries, Otto ने उसका आवाज़ सुना था. He quickly swam up to her under the water and lifted her up on his back. तो he quickly swam up to her, उसके पास तैर कर गया और उसको लेकर आया. ट्रिडा वॉज ऑलमोस्ट फेंटिंग विथ फियर. ट्रिडा बहुत ही फीलिंग वीक और डिजी, एकदम कमजोरी जैसा, मैंने नर्वस हो गई थी. ओके, ट्रिडा डोंट बी स्केर्ड, आई विल सेव यू. वो ऑटो बोला, तुम डरो मत, मैं तुमको बचा लूँगा. ऑटर ने कहा, होल्ड मी टाइटली एंड सिट अप ऑन माई बैक, मुझे कस के पकड़ो और मेरे पीठ में बैठो. थैंक यू ऑटो, सेड ट्रिडा इन ए फेंट लिटिल वॉइस. ठीक है, उसको थैंक यू बोली एकदम धीरे से आवाज़ में. यू सेव्ड मी, तुमने मुझे बचा लिया. ऑटो बॉट हर टू द शोर एंड रोल्ड हर ऑन द ग्रास, उसको किनारे लेके आया और वहाँ पे ग्रास में रोल किया. आफ्टर सम टाइम्स ट्रिडा सेट अपराइट, कुछ देर के बाद ट्रिडा ऊपर उठी. When I lived in mountains, my best friends were Whoopi and Guzi. I miss them so much. वो बोलती है, जब मैं माउंटेन्स में रहती थी तो मेरे दो बेस्ट फ्रेंड थे, Whoopi और Guzi नाम था उनका, उनको मैं बहुत मिस करती हूँ. But here I have no friends, she said. यहाँ पर मेरे कोई फ्रेंड्स नहीं हैं. Then she turned to Otto. Will you be my friend, Otto? तो फिर ऑटो को बोलती, क्या तुम मेरे दोस्त बनोगे ऑटो? The otter thumped his tail happily and dive into the water. वो अपना टेल जो पूंछ को हिलाया और पानी में डुबकी लगाई. He took Trida's ball and started playing. और ट्रिडा का बॉल लेकर खेलने लगा. ओके, ट्रिडा got to her feet and jumped with joy. वो भी जंप करने लगी. Living in the city was going to be so much fun. और शहर में रहना यहाँ बहुत मज़ेदार होने वाला था. ओके स्टूडेंट्स, अंडरस्टूड? थैंक यू.